अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा हटके, क्योंकि आज हम लोग बना रहे हैं कुकिंग व्लॉग। आज हम बना रहे थे फ्राइड चिकन, तो सोचा आपके साथ अपनी रेसिपी। लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ फ्राइड चिकन। फर्स्टली वी नीड 2 kg चिकन, सम स्पाइसेस, लाल टिक्का मसाला, ब्लैक पेपर, 1 lemon, 1 teaspoon लाल वाली मिर्चे, 1/2 teaspoon चिली फ्लेक्स, सॉल्ट अबाउट टेस्ट एंड 1 ball ऑफ मैदा। चलिए मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारी चिकन वॉश करके एक बाउल में डालेंगे, फिर उसके अंदर सारे स्पाइसेस डालेंगे। इसके बाद फिर हम 2 to 3 tablespoons ऑयल का डालेंगे इसी चिकन के अंदर, देन लेमन स्क्वीज कर देंगे। उसके बाद मिक्स में अच्छे से मैरिनेट करके 30 minutes के लिए फ्रिज में रख देंगे। मैरिनेशन के बाद कुछ इस तरह की शक्ल हो गई। फिर हमने अपने पास बंस भी मंगा लिए थे। आफ्टर 30 minutes अच्छे से मसाला लग चुका होगा चिकन पर। नाउ इट्स टाइम टू फ्राई। जरा रुकिए, फ्राई करने से पहले कोटिंग तो कर लें। तो कोटिंग के लिए हमें चाहिए 1 bowl मैदा एंड 1 ball ऑफ कोल्ड वाटर, आई मीन बहुत ठंडा पानी। तो सबसे पहले हम लोग सब बड़ा चिकन का पीस लेंगे, उसको अच्छे से मैदे में कोट करेंगे, देन उसको ठंडे पानी में डालेंगे। उसके बाद अगेन मैदे से कोट करेंगे अच्छे से। इसी तरह हम लोग सारे चिकन पीसेस को कोटिंग करके रख लेंगे। जल्दी जल्दी सारे चिकन को कोट कर लिया। आई एंजॉयिंग इन कुकिंग, मुझे बहुत मजा आता कुकिंग करते वक्त। के बाद हम ऑयल को प्री हीट करने रख देंगे और ये है हमारी कोटिंग वाली चिकन। और टाइम टू फ्राइंग। स्लोली स्लोली हॉट ऑयल में चिकन डालेंगे। इस डिफिकल्ट इसलिए मैंने ये काम अपनी मम्मा से कराई। 4 to 6 minutes बाद चिकन का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो उसको फ्राई कर देंगे। दिस फ्राइड चिकन रेडी इन मैक्सिमम 15 to 20 minutes। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको प्लेट में निकालेंगे। दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ आवर फ्राइड चिकन। फिर उसके बाद जल्दी से मैंने बंस का पैकेट ओपन किया, क्योंकि मुझे ये ऐसा बर्गर भी खाना था। फिर मैं हसन रेडी हो गए अपना बर्गर बनाने के लिए। सबसे पहले हमने बंस के अंदर केचप लगाया, केचप को सही से स्प्रेड किया, देन उसके अंदर अपना फेवरेट चिकन पीस रख दिया। इस इजी टू मेक बर्गर। यम, हमने टोटल 4 burgers बनाए। हसन भी अपने अच्छे से बर्गर बना रहा था। कीप इट अब माय ब्रदर। सारे बर्गर्स बनाने के बाद ना टाइम टू टेस्ट, से तो वेट ही नहीं होता, इसलिए उसने पहले से एक खाना स्टार्ट कर दिया। ओ भाई रुको, मैं भी लाइन में हूँ। एंड व्हेन आई टेस्ट इट इज सो यमी डिलीशियस, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये तो वाकई बहुत सुपर बना था। वी एंजॉय इट। नाउ से दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक इट इन माय चैनल। Allah Hafiz. Meet you in my next vlog. Hit like and subscribe my channel and press the bell icon. Don't forget to press the like. और अगर आपको मेरा कुकिंग व्लॉग पसंद आए तो मस्ट कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स।